हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में पढ़ा था थर्ड चैप्टर का बेसिक। अपन आगे बात करते हैं। देखिए, पहले अपन ने जो पढ़ा था तो उसी का थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, ये 90 था, ये 180 हो गया था, ये 270, ये 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ए एस बी सी, ए एस ई सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा कोस थीटा, टी का मतलब टैन थीटा कोस थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, और मैंने यहां लिखा था 90 और 270 होने पर चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 180 और 360 होने पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, कल अपन ने 18 फॉर्मूले लिखे थे, अब आगे बात करते हैं। माइनस थीटा तक अपन ने कर लिया था, 180 प्लस थीटा की बात कर, 180 आ रहा है सभी में, 180 होने पर, 180 होने पर नो चेंज, चेंज नहीं होगा, 180 होने पर नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। तो 180 होने पर नो चेंज मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसे का कोसे रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए बात करते हैं कौन से प्लस में होंगे, कौन से माइनस में। यहाँ पे 180 प्लस कर रहा है, 180 प्लस कर रहा है, 180 आपका यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, यहां तक। ठीक है, 180 प्लस करेंगे तो आगे आएंगे और 180 माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। जैसे ही बोल रहा हूँ 180 प्लस कर रहे हैं तो अपन आगे आएंगे, आगे का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टी, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। वो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे टेन और कॉट कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब उधर देखेंगे ऑटोमेटिकली इधर लगा देंगे, ये तो रहा टेन, ये रहा कॉट, इसको तो कर देंगे पॉजिटिव और इन सबको क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, 180 माइनस हो गया, 180 प्लस हो गया, 90 माइनस हो गया, 90 प्लस हो गया,
अब बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 आ गया। 270 आने के बाद टेन को बंद करो, टेन को बंद, इसको इसको टेन कौन बोल रहा है? और ये बंद बंद करो, बंद तो 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। 270 होने पर 90 या 270 होने पर चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। कोस किस में होगा? साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन सेक, सेक होगा सेक होगा कोसेक में, कोसेक होगा सेक। ठीक है, ये तो चेंज कर दिया आपने, लेकिन प्लस कौन से होंगे, माइनस कौन से होंगे? 270 में से कुछ कम कर रहे हैं। 270 आपका यहां होता है, 270 यहां से लेकर यहां तक आएगा, कम कर रहा है तो पीछे आएंगे, प्लस कर रहे हैं तो आगे, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 270 यहां था, माइनस करने पे पीछे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेन का मतलब टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, टेन तो ये रहा और कोट ये रहा, इन दोनों के सामने तो बिना देखे प्लस लगा दो और बाकी सब में क्या लगा दो? माइनस लगा दो। सब में क्या लगा दो? माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस। अब आगे आ जाओ, माइनस का हो गया, अब प्लस की बात करेंगे। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, और लास्ट को लिख देंगे अभी 1 में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, या फिर अपन इस लास्ट वाले को यहां लिख देते हैं, लास्ट वाले को यहां लिख देते हैं, कोसेक नहीं, हाँ कोसेक 270 प्लस थीटा। 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 270 होने पर चेंज होगा। 270 होने पर चेंज, साइन कॉस में कॉस, साइन में कॉट में एन में कोसेक। ठीक है, और कोसेक किसमें होगा? सेक। कोसेक किसमें होगा? सेक। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां अगर बात करें अपन, अब बात करते हैं कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे। स्टूडेंट्स 270 प्लस कर रहे हैं, 270 प्लस कर रहे हैं, 270 प्लस का मतलब 270 यहाँ पे होता है, प्लस करने पर आगे जाएंगे, माइनस करने पर पीछे आए थे, प्लस करने पर आगे जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में। फोर्थ में सी मतलब कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है,
cos और sec कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में cos तो ये रहा, cos तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, cos तो ये रहा, sec ये रहा, इन दोनों के सामने तो लगा देंगे अपन प्लस का साइन। इसको देखना है इधर RHS में मत देखना, RHS में आपने देख लिया तो आपका गलत हो जाएगा, अपन LHS में देखेंगे cos और sec, इन दोनों के सामने मैंने पॉजिटिव लगा दिया, बाकी सारे ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। अब बात करते हैं अपन 360 माइनस वाला, कौन सा वाला बात करते हैं, 360 माइनस वाला। ठीक है, और प्लस वाला भी लिख लेते हैं, 360 प्लस 360 प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है कि 360 माइनस कर रहे हैं, देखिए 360 सब में 360 आ रहा है, 360 होने पर 180 या फिर 360 होने पर नो चेंज होता है, 180 360 आ रहा है तो नो चेंज, मतलब साइन का साइन में रहेगा, कोस का कोस में रहेगा, टेन का टेन में रहेगा, कोट का कोट में रहेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या सभी वही, मतलब चेंज नहीं होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब देखिए इसका मतलब नो चेंज, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये टेन कॉट सेक कॉसेक सेम रहेंगे। अब बात करते हैं कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे 360। अब देखो पूरा एक राउंड मारोगे तो 360 होगा, पूरा एक राउंड मारोगे 360, प्लस करोगे तो ऊपर जाओगे, माइनस करोगे तो नीचे आओगे, एक पूरा राउंड मारने के बाद 360 आएगा, प्लस करने पर ऊपर, माइनस करने पर नीचे, माइनस कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसलिए अपन 360 से पीछे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में सी का मतलब cos और sec पॉजिटिव होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, राइट हैंड साइड में नहीं देखना है, उसके आगे अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये तो रहा cos और ये रहा sec, इन दोनों को तो बना दिया मैंने पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के सामने ये cos और sec आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है,
cos और sec लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ऑटोमेटिकली इधर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बाकी सारे किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, बाकी सारे किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 360 होने पर वही नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन कॉट सेक और यहां पे कॉसेक, ये ऐसे के ऐसे ही रहे, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, बात करते हैं। 360 प्लस कर रहे हैं, ये आपका क्या है 360 है, 360 प्लस कर रहे हैं, 360 प्लस कितना, 360 प्लस कर रहे हैं, 360 पूरा राउंड करेंगे एक तक 360 आएगा, प्लस करेंगे तो ऊपर, माइनस करेंगे तो नीचे। स्टूडेंट्स प्लस कर रहे हैं ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे ऊपर, मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट में सारे भाई क्या होते हैं पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सारे पॉजिटिव होंगे, ऑटोमेटिकली इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। स्टूडेंट पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत है नहीं होती है, क्या बात समझ आ रही है मेरी, हाँ। तो मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं, एक बार आप इतना स्क्रीन शॉट ले ताकि अपन, चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 120। स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा, साइन 180 माइनस 60, क्या 120 को मैं 180 माइनस 60 में लिख सकता हूं? देखिए मैंने ब्रेक किया है, अभी चेंज नहीं किया, मैंने ओनली क्या किया है ब्रेक किया, 120 था यहां पे, क्या था 120 को ब्रेक किया 180 माइनस 60। अब सही क्या है, साइन का साइन, सीधी से उतरना आता है चलना भी आना चाहिए, इस स्टेप से ये स्टेप, इससे वापस ये होने चाहिए, जो अभी तक मैंने 48 फॉर्म में लिखा है उनके दो चार एग्जांपल्स करते हैं तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 120 है, ये इस स्टेप से मैंने ये लिखा, इससे वापस ये आएगा, तब तो आपकी मैथमेटिक्स सही होगी, अदरवाइज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन का साइन और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अब आप मेरे को ऐसे बताओ 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है या फिर नहीं? 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, मतलब क्या रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज और यहाँ पे आ जाएगा 60 साइन थीटा। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, 180 माइनस कर दें, 180 माइनस कर दें, 180 में से कुछ कम कर रहे हैं, 180 आपको पता है कहाँ तक होगा, 180 यहाँ से लेकर यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ आएगा, अब यहाँ पे आएगा, माइनस कर रहे हैं तो वापस आएंगे, प्लस करेंगे आगे, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो वापस चलेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है जहां पे ब्रेक किया, मेरे क्या बोला, जहां पे ब्रेक किया है वहां देखना है क्या आ रहा है, क्या आ रहा है साइन, जहां ब्रेक किया है वही देखेंगे वहां पे कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, इसका मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो बिना देखे इसके आगे भी क्या लगा देना है पॉजिटिव, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती, कितनी वैल्यू आ गई √3/4। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं, तो कैसे, देखिए अगर मान लो आपके पास साइन 120 था
ठीक है, साइन 120 मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैं क्या इसको 90 प्लस 30 भी तो लिख सकता हूं यहां पे और यहां, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं। 90 में प्लस 30 किया 120, 90 में प्लस 30 किया 120, तो 120 आया साइन का साइन, मतलब इस स्टेप से ये स्टेप सही है। अब बात करते हैं आगे, 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, 90 होने पर चेंज होता है साइन, किस में चेंज होगा कॉस में, और थीटा की जगह थर्ड। अब 90 प्लस कर रहे हैं, 90 प्लस कर रहे हैं, 90 यहाँ पे होगा, 90 ये होगा, प्लस करेंगे तो आगे आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं। अब जहां पे आपने ब्रेक किया था थोड़ा 120 को 90 को 30 में थोड़ा था, वही चेक करेंगे साइन आया कोसाइन आया क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो यहां पे साइन ही आ रहा है, ये पॉजिटिव। स्टूडेंट इसको देखेंगे अपन, इस टाइप का देखेंगे, अगर साइन पॉजिटिव तो आपको आगे क्या आ रहा है तो नहीं देखना, आगे कोस आ रहा है एर आ रहा है कुछ भी है, अगर ये पॉजिटिव है जहां पे आपने ब्रेक किया है वहां पे वो पॉजिटिव है तो अगले स्टेप वाला भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव मतलब सही है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/√3। स्टूडेंट्स इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो आंसर सेम आएगा, कान को चाहे सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो पकड़ने पानी, ठीक है। स्टूडेंट्स आंसर आ गया √3/√2, ये भी √3/√2। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।